बाकी के थेपले भी लेके आ जाना जल्दी से। हाँ हाँ मैं लेकर आ रही हूँ। डब्बे में रखा। हाँ हाँ उसमें डाल दे। और चटनी वो जार में भर के रखी है। हाँ हाँ चलो दो डिब्बे चटनी के भी हो गए। हाँ। अरे होटल का मालिक खुद आ रहा है थेपले लेने। अमित बताया मुझे आपने, ये सब एक ही में डाल देती हूँ ना। लगता है तूने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने बोला होटल का मालिक अमित खुद लेने आ रहा है थेपले। और मुझे क्या लगता है ना, उसको मेरे थेपलों से प्यार हो गया है। और अगर ऐसे ही बाकी लोग भी थेपले से प्यार करने लगेंगे ना, तो एक दिन दिल्ली के लोग छोले भटूरे खाना भूल जाएंगे, थेपले खाया करेंगे। अच्छा मैं और देखती हूँ, चटनी और फालतू ये तो दे देंगे तो अच्छा लगेगा। आपका बस चले तो आप अपने थेपलों को ना राष्ट्रीय आहार घोषित कर देंगे। मजा अच्छा करती है तो थोड़ी चटनी एक्स्ट्रा है ना, खुश हो जाएंगे। मैं क्या सोच रही थी कि अब मेरे थेपलों की डिमांड बढ़ गई है तो मुझे रेट भी बढ़ा देना चाहिए ना। अभी क्यों, क्या जरूरत है? अभी खर्चे कम हैं, जब खर्चे ज्यादा हो जाए ना और प्रॉफिट कम हो जाए तब बढ़ा दीजिएगा। अभी बढ़ाएंगे बेवजह कस्टमर टूट जाएंगे आपके। बड़ी समझदार है तू। इसमें समझदारी की क्या बात है? मतलब कि मेरे कस्टमर नहीं बनवा रही तू, मेरे से रिश्ते बनवा रही है। हा? आपको मेरा सीक्रेट पता चल गया। लगता आ गए। अच्छा नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आइए आइए बैठिए बैठिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ जी ठीक है जी। मैं दे दूँ? शुक्रिया शुक्रिया जी। आप खा के देखना, जैसे पहले दिए थे ना उससे भी बढ़िया टेस्ट लगेगा आपको। और जब भी कोई फंक्शन वंक्शन हो ना तो अमी को ऑर्डर देना आप। पक्का आपको दूंगा ऑर्डर। तो मैं चलता हूँ, थोड़ा लेट हो रहा है। मैं एक मिनट, एक पैकेट रह गया वो। एक हाँ मिनट। हाँ सॉरी यार। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हो जाता। बस ये मिर्ची का अचार भी रखा है। अच्छा लीजिए। ठीक है जी। अच्छा नमस्कार। नमस्ते। अमित जी की कार की चाबी। अरे देखिए देखिए देखिए। क्या हुआ है? मैम इंजन में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, मैं देख लेता हूँ। हटो मैं देखती हूँ। कुछ मदद चाहिए? बस कार चलते चलते बंद हो गई। मैं देख रही हूँ ना। ये मशीन ना औरतों के लिए नहीं है, आप हटिए मैं देख लेता हूँ। मशीन से औरत मर्द का क्या लेना देना? जब वो बोल रही है वो कर सकती है तो कर लेंगे वो। हो गया थैंक यू। प्रज्ञा नंदिता ओह माय गॉड तुम यहाँ दिल्ली में कैसे? अभी कुछ ही वक्त हुआ शिफ्ट हुई। माय गॉड इतने सालों के बाद देख रहे हो तुम। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। कैसी हो तुम? मैं एकदम अच्छी हूँ। अरे अमित जी ये नंदिता है, ISA में काम करती है। वहाँ औरत मर्द में कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ साइंटिस्ट और इंजीनियर्स होते हैं, और ये तो सीनियर साइंटिस्ट है। मेरा ये मतलब नहीं था, सॉरी। आपकी गलती नहीं है, एक्चुअली ज्यादातर लोगों ने औरतों को सिर्फ सिलाई की मशीन के साथ ही देखा है और किसी मशीन को इमेजिन ही नहीं कर सकते। मेगन आओ तुम्हें अपनी बहुत पुरानी दोस्त प्रज्ञा से मिलवाती हूँ। टीचर अब थी, अब तो नहीं। रियली? हाँ। अरे और ये है मेगन, मेरे साथ ISA में काम करती है, बहुत अच्छी इंजीनियर है। हाय। हाँ नाइस। मैंने न्यूज में देखा, आप लोगों को भी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी ना, चाइना से चांद की रेस में हम पीछे रह गए। चांद तक की रेस जीत ली है, लेकिन गेस कीजिए कि मिशन टू मार्स की रेस में चाइना का क्या हुआ? क्रैश क्रैश हो गया ना। यहाँ चाइना का माल है ना, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। लेकिन इस बार हम मार्स में पानी ढूंढ के रहेंगे। एक्चुअली इस बार हम एक बहुत बड़े मिशन पे काम करें। मिशन टू मार्स, मिशन ओवर मार्स,
सॉरी या मिशन ओवर मास। मिशन का नाम ही मॉम है तो आधी बैटल तो वहीं जीत ली, क्योंकि मॉम तो कभी निराश नहीं करती। एब्सोल्युटली। एक्चुअली अब ये मिशन ओवर मास मॉम पे ना एक वेब शो भी बन रहा है, मैंने हाल ही में उसका ट्रेलर भी देखा। या हमारे ही जैसे साइंटिस्ट की कहानी है। इनफैक्ट तुम देख सकती हो ये ओल्ड बालाजी और Z5। हाँ, Z5 पे आने वाला है। मैं जरूर देखूंगी। इंडिया प्राउड फील करेगा आपके ऊपर। जिस देश की औरतों ने चांद से रिश्ता जोड़ा हुआ सिर्फ करवा चौथ के लिए, आपने तो मंगल से जोड़ लिया जी। आप भी देखिएगा। एनीवे हम लोग चलते हैं, हम एक मीटिंग के लिए जा रहे हैं, देर हो जाएगी। तुम अपना ख्याल रखना। ओके, बहुत अच्छा लगा तुमसे। मुझे भी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय बाय बाय। नाइस टू मीट यू। हाय सर। कम इन, हैव अ सीट। थैंक यू सर। हाय सर, आई एम ऋषि देसाई। आई नो, आई रिसीव्ड अ मेल फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट। सो ऋषि, तुम फ्यूजन बीट्स के लिए काम नहीं करोगे। लेकिन सर, आई मीन सर, मैं रिलैक्स, तुम फ्यूजन बीट्स के लिए नहीं, उसके सिस्टर कंसर्न कंपनी रिदम के लिए काम करोगे, जो मैं संभालता हूँ। रिदम कंपनी फ्यूजन कंपनी का ही एक डिवीजन है जो यहाँ से ऑपरेट होती है। सो इन शॉर्ट, तुम रिदम के लिए काम करोगे मेरे साथ। ओके सर। गुड लक। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम। हे प्रभु, मेरे राम सीता की जोड़ी को मिला दो। प्रज्ञा यहाँ तक आई पर अभी से मिली नहीं। मुझे भी वादा करके गई कि वापस आकर मिलेगी, पर वो क्यों नहीं आई? ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्यों हो रहा है प्रभु? प्रज्ञा मिस्टर मेहरा से बाहर भी नहीं मिली और घर पे भी नहीं आई। मिस्टर मेहरा हॉस्पिटल गए थे, वहां पे भी नहीं मिली। तुम्हें कैसे पता मेरा? क्योंकि अगर मिलती तो वो मुझे जरूर बताते। जब से वो आए हैं तब से चुपचाप एक जगह बैठे हुए हैं, किसी से कुछ बात नहीं कर रहे। पर ऐसे कैसे हो सकता है गॉड जी? प्रज्ञा यहाँ आई और मिली भी नहीं। मतलब अभी से मिली लेकिन नहीं मिली। मेरा मतलब है ये मिलना कोई मिलना हुआ भला? न दादी से ठीक से बात की, न पूरब से मिली, न मुझसे बात की। बस वो सरिता जी को चोट लग गई थी ना तो उन्हें लेकर चली गई हॉस्पिटल। पर जाते जाते तो बोल कर गई थी ना कि दादी मैं वापस आऊंगी मिलने के लिए। और मैंने उसे कहा भी था, प्रज्ञा जो बोल कर जा रही हूँ वो याद रखना। फिर भी नहीं आई। दादी, मैं तो उसका इंतजार ही करती रही कि कहकर गई है तो जरूर आएगी, पर वो नहीं आई। पता नहीं क्यों नहीं आई। कहीं उसके मन में बरसों पुरानी वो नाराजगी खत्म नहीं हुई है क्या? नहीं दादी, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होता तो वो यहाँ आती क्यों? अभी आप सही कह रही, कोई तो वजह रही होगी, नहीं तो कोई ऐसे मिलकर सामने से पलट कैसे जाएगा? अब तो मैं कल से ना हर रोज भगवान के मंदिर में जाऊंगी। जब तक मेरी प्रज्ञा वापस नहीं आ जाती, चाहे मेरे पैरों में छाले पड़ जाए, मैं जाती रहूंगी। मेरे बच्चों का प्यार तो उन्हें नहीं दिखता, पर मेरी तकलीफ तो जरूर दिखेगी ना। उन्हें मेरी सुननी ही पड़ेगी। देखती हूँ कब तक नहीं मिलाते मेरे राम सीता को। मैं भी गॉड जी से प्रे करूंगी। मैं भी उनसे मन्नत मांगूंगी कि अभी प्रज्ञा को बस जल्दी से मिला दें। बहुत हो गया अब। हो सकता है दो लोग मांगेंगे ना उनसे कुछ, तो वो शायद जल्दी दे दे। फिर आप दोनों के साथ मैं भी आऊंगी। मैं भी प्रार्थना करूंगी। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना अच्छा होगा, है ना दादी? बिल्कुल ठीक है। हम तीनों जाएंगे मंदिर में, भगवान से प्रार्थना करेंगे, उन्हें देखना हमारी इस बात सुननी ही होगी। हाँ। अरे दीदा यार, किसका नाम ले लिया आपने? मैं नहीं, नहीं 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 सॉरी सॉरी, मैं उसको बिल्कुल ड्रॉप नहीं कर सकता। अरे नहीं कर सकता मैं उसको ड्रॉप यार। आपको पता है क्या होता है, जब उसको ड्रॉप करता हूँ थैंक यू भी नहीं बोलता, उल्टा टेक्स्ट में मुझे तोड़ दिया और गुस्सा मिला। बहुत एटीट्यूड है उसमें, बहुत ज्यादा। पूरे रास्ते ना जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो पूरे रास्ते लेक्चर देती रहती है, ऐसे मत ड्राइव करो, वैसे मत ड्राइव करो, ये मत करो, वो मत करो। मैं इतना नहीं सुन सकता, आपको पता है। बहुत एटीट्यूड है उसमें, बहुत ज्यादा। क्यों कर रहे हो आप उसके बाद? मेरा मूड खराब हो जाता है दीदा, यू नो दैट। कुटिया गल्ला ना कर पुत्र, छड़ना है तो छड़ना है, और जब नहीं गया ना तो मेरे नाल गल्ला ना करी। यार दीदा, ऐसी गल्ला मत करो यार। सिर्फ आपकी वजह से कर दूंगा।
और आपका क्या है, ये वीडियो कॉल का करना शुरू कर दिया आपने इतना यार? पुत्र, फोन से बात करती तो नेल पेंट कैसे लगाती? समझा कर, हाथ में पकड़ना पड़ता है ना फोन। समझ रहा हूँ। अभी तो वीडियो कॉल तो आपने अभी स्टार्ट किया, इससे पहले क्या करते थे? कुछ टाइम पास तो होता होगा, बॉयफ्रेंड काम करो। शर्म नहीं आती तेनू? अरे मैं क्यों शर्माऊंगा यार, शर्माएंगे मेरे दुश्मन। पापा को शर्मा नहीं थी अगर आपका ऑनेस्टली बताओगी, अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है या होता मैं सबसे ज्यादा खुश होता, मैं दुनिया में जाके चिल्लाता कि माय दीदा इज सो कूल गाइस शी हैज अ बॉयफ्रेंड। सच्ची में है नहीं, बताओ ना यार, अभी इतना सजना सवरना, नेल पॉलिश नेल पॉलिश किसके लिए? ओए नहीं पुत्र, असल बात ये है कि मैनू ना कोई सजने सवरने का बड़ा शौक है, बिकॉज आई लव माई सेल्फ, और अफेयर मैनू नहीं करना, जब करना होता ना तो दिल्ली दिल वालों की है लाइन ना लग जाती तेरी दीदा के आगे। मेरे पास ना फालतू काम के लिए टाइम नहीं। Very nice, दीदा, I'm so proud of you. You are so good. That is very cool. Give me a fist bump. I'll talk to you, my latest sweetheart. Bye, I love you. Bye. तुमने मुझे बुलाया? बुलाया तो था मैंने तुम्हें, पर ये ऐसी शक्ल क्यों नहीं है तुम्हें? किसी की भी बन जाएगी। मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ क्या करने आते हो? फ्लर्ट है ना? फिर वो रिसेप्शनिस्ट हो या कोई फीमेल क्लाइंट हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो तुमने नया नाटक शुरू किया है, ये क्या वीडियो कॉल? मतलब मैं वहाँ खड़ी थी, तुम देख रहे थे, फिर भी जरा सी भी शर्म नहीं है तुम्हें? So jealous. I like it. You know that? जब तुम जेलस होती हो ना तो तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, पर मैं आज तुम्हें जेलस फील नहीं कर रहा हूँ, आज मैं तुम्हें कुछ और फील कराऊंगा। क्या क्या कर रहे हो तुम? व्हाट आर यू डूइंग? फोन था, चार्जिंग पे लगाया था, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। यू नो व्हाट प्राची, मेरी लाइफ में ना, मेरी लाइफ में जितनी भी लड़कियां हैं सब मेरे साथ अनसेफ है बेचारी, सब, क्योंकि मुझे सभी पसंद, मैं सबको पसंद करता हूँ, मैं सबसे फ्लर्ट करना चाहता हूँ, मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कितनी खूबसूरत है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, पर इस पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी लड़की है जो मेरे साथ बिल्कुल सेफ है, और वो तुम हो। तुम्हें पता ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं तुम्हारी टाइप की नहीं। नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूँ ना, तुम्हारे पास आता हूँ, मुझे फीलिंग ही नहीं आती अंदर से तुम्हारे लिए। I don't know why that happens. I'm very confused. देखो तुम यंग हो, ठीक है, तुम मेरी उम्र की भी हो और तुम लगभग लड़की भी हो। I don't know why. मैं ऑनेस्टली मैं तुम्हें पसंद करना चाहता हूँ, ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ, पर मैं कर ही नहीं पाता हूँ यार, पता नहीं क्यों। थैंक यू फॉर नॉट लाइकिंग, और ये जो तुमने तारीफ की ना मेरी, उसके लिए अगेन थैंक यू, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यो वेलकम, अब एक काम करो, मेरे साथ चलो। एक्सक्यूज मी, कहा? वो मैं तुम्हें रस्ते में बताऊँ, अपना बैग ले। तुम ऐसे, अरे लेके तो आओ, मुझे ना बात करना ही बेकार है, तुम इम्पॉसिबल। दिस इज नाइस, आई थिंक रियो को फैशन वीक पे यही पहनना चाहिए। No, this is too tacky. See, what about this? नहीं यार, ये कलर रिया की स्किन टोन पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। See, what about this? This is too nice. रिया? रिया? What is this, रिया? हम कब से तुम्हारे फैशन शो के लिए ड्रेस सिलेक्ट कर रहे हैं, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। हाँ रिया, you're too lost. No, actually, I was just thinking about Prachi. रिया रहने दे, हमें पता है कि तुम रणबीर से प्यार करने लगी हो और उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, तो अब यू आर लाइक हाउ डेयर ही डिड दैट। कम ऑन गर्ल्स, आई टोल्ड यू डोंट बी सो स्टूपिड, आई टोल्ड यू व्हाट आई फील फॉर रणबीर, मैंने तुम्हें बताया यू आई डोंट लाइक हिम, और वैसे भी उसे उसे प्राची के साथ होना चाहिए। अच्छा, तुम्हारा नहीं हुआ तो प्राची का। कम ऑन रिया, तुम मान क्यों नहीं लेती कि इस कॉलेज के सबसे हॉट लड़के को तुम नहीं अपना बना पाई? Really? तुम्हें लगता है कि मैं रणबीर को अपना नहीं बना सकती, राइट? तो देर नहीं लगेंगे मुझे रणबीर को अपना बॉयफ्रेंड बनाने में, कह रहे? और अगर उसने किसी और को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया तो? लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर रणबीर को कभी किसी से प्यार होगा तो वो मुझसे होगा, रिया मेहरा से। फिर भी रिया, मान लो रणबीर को कॉलेज की किसी और लड़की से प्यार हो गया, और स्पेशली वो प्राची से, तुम्हारी सबसे बड़ी एनिमी, तो? अगर उस प्राची से प्यार गया तो वो मेरे लिए उसका दिल तोड़ देगा, एंड आई कैन गिव यू इन रिटर्न, ओके? वो तुम्हारे लिए प्राची का दिल क्यों तोड़ेगा? क्योंकि गाइस मैं हूँ
रिया मेहरा, आई एम द बेस्ट एंड अपेरेंटली रणवीर इज ऑल्सो द बेस्ट. सो बेस्ट को सिर्फ बेस्ट डिजर्व करता है, समझ में आया? और इनफैक्ट द प्रॉब्लम इज कि मुझे भी रणवीर नहीं चाहिए. हाँ, आई डोंट वांट हिम. राजी, तुम अपसेट हो गए? थैंक गॉड पता चला मैं अपसेट हूँ. आई एम द बेस्ट, मुझे पता चल जाता है. आई नो, पता तो चला मैं अपसेट हूँ, लेकिन क्यों हूँ ये नहीं पता होगा, है ना? अरे तो उसके लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा ना, तुम जो थोड़ा टाइम दोगी तो मैं वो भी समझ जाऊंगा. नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, तब तक घर आ जाएगा. मुझे सिर्फ बता दो मुझे ड्रॉप क्यों कर. अरे यार प्राची, तुम खुद ही बताओ, तुम इतना रात को जागने का प्लान बना रही थी, अब इतना हार्ड वर्क करना भी अच्छा नहीं है जिसमें तुम्हें रात भर जागना पड़े. तो इसीलिए वो तो तुम्हारे तारे बहुत अच्छे हैं जो मैं तुम्हारे साथ. तुम्हें हिंदी आती है? ऑफ कोर्स आती है, क्यों नहीं आती, हिंदी सबको आती है, तुम्हारी मातृभाषा है. वेरी गुड. तो सुनो, तुम मुझे बहुत ही इरिटेटिंग लगते हो. तुम्हारे साथ कहीं पर भी जाना, इवन घर जाना, मुझे किसी सजा से कम नहीं लगता. वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी हिंदी खराब है क्या? इरिटेटिंग तो एक इंग्लिश का शब्द. अनबिलीवेबल, मैं क्या बोल रही हूँ और तुम क्या हिंदी और इंग्लिश में उलझे हुए हो? अरे तुमने तो अभी बोला मेरे को कि हिंदी आती है और फिर खुद हिंदी गलत बोल रही हो. इसी को मैं कहती हूँ इरिटेट करना. हिंदी में जिसे कहते हैं चिढ़ाना, परेशान करना, और सिंपल लोकल लैंग्वेज में कहते हैं पकाना. प्राची, ये जो तुम्हारा एटीट्यूड है ना, ये मुझ पे काम नहीं करता. मुझे अच्छे से पता है यू लव मी. आई नो, मुझे पता है. आई नो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है जब मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, जब मैं तुम्हें ऐसे ड्रॉप करने जाता हूँ. यू लाइक इट, आई नो दैट. और वो तो तुम दिल की बहुत अच्छी हो, तुम्हें पता है कि अगर मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा तो मैं 10 मिनट लेट हो जाऊंगा घर. और वो तो तुम चाहती नहीं, इसलिए तुम पूछ रही हो ना, है ना? सही, आई नो. देखो प्राची, ऐसा है कि मैं ना एक बहुत अच्छा लड़का, हाँ आई एम अ गुड बॉय, ट्रस्ट मी. मैं शक्ल से अच्छा हूँ, नजर से अच्छा हूँ, दिल से अच्छा हूँ, नीयत से भी अच्छा हूँ, और पैसे भी बहुत अच्छा. ट्रस्ट मी, और मुझे हिंदी भी बहुत अच्छी आती. तो तुम्हें ना क्या करना चाहिए, तुम्हें मेरे जैसे लड़के पसंद करने का ना एक टाइप बना लेना चाहिए. यू नो, स्टार्ट टू लाइक मी. और लाइक अगर नहीं हो तो कोशिश करो टेस्ट डेवलप करने से, डेवलप करो. गाड़ी रोको, रोको गाड़ी, रोको, ये लो. क्या 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 इतनी सी बात पे गुस्सा हो गई? गाड़ी क्यों रुकवा दी? अभी तो तुम्हारा घर भी नहीं आया, बहुत दूर है घर. मुझे पता है मेरा घर नहीं आया, मेरी आंखें हैं, मेरे कान भी है. आई नो कि घर नहीं आया. क्या हुआ क्या? क्योंकि तुम्हारी ये बातें है ना, मेरे कान में लावे की तरह लगती है. लावे? व्हाट इज लावे? इंटरनेट पे चेक करो, डिक्शनरी में देखो, मुझे नहीं पता. प्राची देखो, तुम ये ना बहुत ज्यादा कर रही हो, तुम बहुत ज्यादा इरिटेट कर देती हो यार ऐसी बातें करके. क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझे नहीं बताया तुम मुझे ड्रॉप करने आ रहे. तुमने क्या कहा था ऑफिस में? कि हम कहीं जा रहे हैं, कुछ काम है. यहाँ आके बोल रहे हो कि ड्रॉप करें. देखो, ड्रॉप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, झूठ से प्रॉब्लम है. आई हेट लायर्स. ओके, एंड आई हेट यू. प्लीज, कुछ नहीं होता, जाओ. तुम इनसे उतरना, उतरो, जाओ. बाय, इवन बेटर. डोंट टॉक, जस्ट वॉक. बाय बाय बाय. कोई भी कुछ भी बोले ना, अगर बोले ना कोई प्राची को घर छोड़ कर, तो मैं घर छोड़ दूंगा. यार उनका तो सही है, वो बोल देते कि हाँ छोड़ दो, अपने मुंह खोला और बोल दिया. और वो जो मेरा दिमाग खोल देती है बोल 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 के. हाय दीदा, मोबाइल पे क्यों फोन किया आपने मुझे? ओए तूने तो कहा था कि मोबाइल पे वीडियो कॉल करूं. अरे उस टाइम मैं ऑफिस में था ना, मैं गाड़ी चला रहा हूँ. अच्छा अच्छा अच्छा, ओ खैर तो मैं लैपटॉप पे करती हूँ. दीदा मैं कह रहा हूँ मैं गाड़ी क्या चलाऊंगा. अच्छा अच्छा छोड़. प्राची कितने? प्राची वो उसको मैंने उतार दिया, उसे मेरा बहुत दिमाग खराब कर दिया था, मैंने उतार दिया उसे. तूने कुछ बोला उसे? अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो उल्टा नेक काम कर रहा था, उसको घर छोड़ रहा था. सारे पाप उसने करे हैं, मैं पुण्य कमा रहा था, पता है? हाँ जरूर तूने ही कुछ किया होगा. थोड़ा सा सुना दिया उसको? ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा. कितने है वो? मुझे क्या पता, होगी कहीं पे. मैंने उतार दिया उसको, रोड वोड पे घूम रही होगी किसी दिल्ली के. पूरा दिमाग खराब कर दिया उसने. आई एम टेलिंग यू, दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? आधी रात को लड़की को सड़क से उतार दिया. अरे मैंने नहीं उतारा उसको, वो खुद उतरी है. उतार, इस तरह लड़की को सड़क पे छोड़ना अच्छी बात नहीं है. ओहो, और ऐसे लड़के के साथ वो लड़की को छोड़ना सेफ होता है? अगर मुझे ब्रेन हैमरेज होता था तो? मैंने कुछ नहीं सुनना. तू अभी के अभी वापस जा और उसे ले गया और घर छोड़ गया. वो किसी चोर उचक्के के हाथ पड़ गई बिचारी थे. बिचारी नहीं है वो, यही तो सारी सब गलत फहमी है. बिचारी बिचारी नहीं है, पुड़िया है. पुड़िया पुड़िया है वो यार, मैं बता रहा हूँ, थोड़ी देर घूमने दो. ऐसे चोर और चक्के यार, किसी ने भी उसको पकड़ लिया ना, वो बेचारा पूरी जिंदगी अपनी किस्मत खोजता रहेगा जी. क्या लड़की पड़ गई उसका? और सीधा ट्रस्ट, थोड़ा घूमने दो. दिल्ली की सड़कों पे थोड़ा घूमेगी ना, थोड़ा क्राइम रेट कम हो जाएगा हमारे दिल्ली का.
तू उसे घर छोड़ के आएगा पुत्र कि मैं जाऊं? What's up? हाय रिया, कैसे हो? What अंधी? मैंने सुना तुम चाची को घर नहीं छोड़ के आ रहे हो। यार रिया, तुम्हें पता है ना वो मेरा दिमाग कितना खराब। जो भी होता है वो नासिक होता है। ठीक है ठीक है, मैं जा ही रहा हूँ उसको लेने। वो एक्चुअली चाची आ रही है, उसको लेने ही जा। ठीक है, बाय बाय लेडीज, बाय, आई लव यू, बाय। तेरे कहने से मान गया, मेरी तो बात ही नहीं सुन रहा। मान तो गया ना। डोंट वरी दलजीत दादी, अब वो कभी मना नहीं करता।